विधानसभा में नेता विपक्ष और एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आई तो एनआरसी सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों को पेंशन देंगे। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों ने संविधान बचाने की कोशिश की है। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी और संघ का हाथ बताया है। तो बयान यहां पर सामने आया है गोविंद चौधरी का। एसपी नेता राम गोविंद नेता विपक्ष है विधानसभा में और ऐसे में एक विवादित बयान उनकी तरफ से। नवाजा जाएगा, आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र हमारी सरकार बने अब प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। लेकिन हमको तो एक विवादित बयान यहां पर एसपी नेता राम गोविंद चौधरी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एनआरसी और सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस हिंसा में जिन लोगों के साथ हिंसा हुई थी उन लोगों को हम पेंशन देंगे, पेंशन दी जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से विवादित बयान यहां पर राम गोविंद चौधरी की तरफ से दिया गया है और कहा है कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया बल्कि संविधान को बचाने की कोशिश की। और इसी के साथ बीजेपी और संघ पर भी उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि इस हिंसा के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी और संघ का हाथ है। तो अपने आप में एक बड़ा ही विवादित बयान यहां पर विधानसभा में नेता विपक्ष एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने दिया है, जहां पर लोगों से कहीं ना कहीं अपील की गई है कि अगर देखिए हमारी सरकार आती है तो जिस तरह से एनआरसी सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुई थी, हिंसा में शामिल लोगों को हम पेंशन देंगे क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि संविधान को बचाने की कोशिश की है। और सुदामा सिंह हमारे साथ देवरिया से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुदामा, बेहद ही विवादित बयान यहां पर दिया है गोविंद चौधरी ने, अब इसको लेकर जाहिर है कि वार पलटवार का दौर शामिल होगा और प्रतिक्रियाएं भी आएंगी लगातार। जी सही कर रही हैं आप, और यहाँ तक पत्रकारिता प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यदि शरणार्थी आते हैं हमारी सरकार बनती है तो उन सरकार जो आते हैं शरणार्थियों को हम लोग पूरी तरह से व्यवस्था और उनको वेतन वगैरह पेंशन वगैरह दिया जाएगा। लेकिन सुदामा क्या लगता है, कई बार ऐसा होता है कि नेता बयान दे देते हैं लेकिन अंत में जाकर जब वो बयान तूल पकड़ लेता है तो ध्यान में आता है कि बयान तो गलत दे दिया है, फिर सफाई दी जाती है। क्या लगता है यहाँ पर गोविंद चौधरी शायद अपने बयान को एक बार फिर सुनेंगे और फिर माफी मांगी जाएगी? देखिए अभी तक तो ऐसा कोई उनके तरफ से इस तरह का कोई बयान आया नहीं है और लगता है कि हाँ ये बड़बोले में ज्यादातर मंत्री बोल देते हैं लेकिन बाद में इस तूल पकड़ने के बाद ये काफी हद तक कहीं ना कहीं निंदा होती है। अभी तक उनके तरफ से इस तरह से कोई बयान आया नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल सुदामा हमारे साथ जुड़ने के लिए।